गाइस वेलकम बैक, दिस इज आरुष बोला और आज से एक नई सीरीज स्टार्ट हो रही है मेरे चैनल पे। देखो व्लॉग्स वगैरह तो आते रहेंगे, वो अलग चीज़ है, बट साथ ही साथ आपकी हेल्प भी करनी है। काफ़ी बिगनर भाई है इसके जैसे, जो जिम जाते हैं भाई, ट्रेनर मजे लेते हैं, कुछ भी बता देते हैं या पैसे मांगते हैं, बट तुम्हारा भाई बैठा, तुम्हें किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल आज खुद वर्कआउट करके नहीं दिखाऊंगा, बल्कि एज अ ट्रेनर इसको ट्रेन करूंगा और उससे आप भी सीख सकते हो। पूरा वर्कआउट ब्लूप्रिंट दूंगा आपको, चेस्ट कब करनी है, बैक कब करनी है, होगा क्या, हम 5 दिन ट्रेन करेंगे हफ्ते में। मंडे को हम करेंगे चेस्ट, ट्यूसडे को करेंगे बैक, वेडनेसडे को ऑफ लेंगे क्योंकि रिकवरी करनी होती है। उसके बाद थर्सडे को हम करेंगे लेग्स, क्या एक दिन का रेस्ट मिल गया, आराम से बढ़िया खा पी के आओ, लेग्स करो। उसके बाद अगले दिन हम करेंगे आर्म्स, फिर एक दिन करेंगे शोल्डर, शोल्डर के बाद दोबारा रेस्ट लेंगे। तो बेसिकली क्या होगा, 2 दिन ऑन, 1 दिन ऑफ, फिर 3 दिन ऑन, 1 दिन ऑफ। उस पर जब तेरा ऑफ है तो उन्हें अपना कुछ नहीं करना, रिकवरी पे ध्यान देना है, क्योंकि भाई अभी तू दुबली पकली है, पतला है भी तू, तेरे को खा पी के बस मसल को, जिम में आके तेरा एक ही मोटिव है, मसल को तोड़ना है। जब जिम से बाहर निकलेगा, जो बाकी गेम है तेरी 23 घंटे की, स्लीप पे ध्यान देना है, डाइट पे ध्यान देना है, वो सब तेरे को देना, ठीक है? ओके। आज तेरे को मैं बिल्कुल सिखाऊंगा, जो बिल्कुल मतलब आपका अगर पहला दिन भी है तो आपने कैसे ट्रेन करना है। आज हम करेंगे चेस्ट, तो अब जिम में चलते हैं और तेरे को कराता हूँ चेस्ट। चलते हैं, छाती चौड़ी कर ले अपनी। चलो भाई, देख भाई तूने बहुत बढ़िया स्टेप लिया जिम ज्वाइन करके, और तुम भाई भी जो जिम ज्वाइन करोगे, अब तूने रिजल्ट के पीछे नहीं भागना कि भाई मेरी कितने दिन में बन जाएगी, क्या हो जाएगा। अब तू आ गया जिम, जब तक तेरी लाइफ है, जिम से अगर तूने प्यार कर लिया तब तक भाई तू हमेशा कभी अपने आप से सेटिस्फाई नहीं रहेगा कि मेरी बन गई। मैं अभी तक सेटिस्फाई नहीं हूँ, मैं तेरे जितना, तेरे से कम था मैं, और मैं अभी भी सेटिस्फाई नहीं हूँ कि मेरी बॉडी बन गई है। क्योंकि जिस दिन जिम में पैर रख दिया भाई, तू हमेशा स्मॉल फील करेगा, तू कहेगा और ज़्यादा बढ़िया बॉडी बनानी है, थोड़े और एब्स हो जाए, बाइसेप थोड़ा ऐसा हो जाए वैसा हो जाए। तो सबसे बढ़िया चीज़ क्या रहेगी, तेरे को इस जर्नी से प्यार करना है। रोज जो जिम आ रहा है ना, इस चीज़ से प्यार कर, रोज़ आगे अपना पूरा दे, घर पर जाके अपनी रिकवरी पर ध्यान दे, एक दिन सबसे तगड़ी बॉडी बन जाएगी। ओके। ये मत सोचो कि भाई 3 महीने में कितने रिजल्ट आएंगे, रिजल्ट के पीछे नहीं भागना अभी। तो देख भाई, जब भी तू जिम आएगा, तेरा मेन गोल क्या रहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जिम आ पाए, मतलब लंबे समय तक। ये नहीं कि 3 महीने जिम आना है, बस इंजरी हो गई उसके बाद घर बैठ गया, 2 दिन आया आते इंजरी हो गई घर बैठ गया। जब तक तू आ सकता है, जितना लंबा आ सकता है, बुढ़ापे तक तेरे को जिम आना है। अब तुमने जिम में पैर रख दिया, तो उसके लिए सबसे मेन गोल जो तेरे को, इंजरी फ्री रहना पड़ेगा। जिम में आया, थक थक आके आता है, कोई काम करता है, कोई कुछ करता है, बॉडी स्टिफ है, अभी आती वेट नहीं मार पाएगा। नहीं, अपनी बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा गर्म करना है। वो कैसे करना है मैं तेरे को मूवमेंट सारी दिखाऊंगा, आपको भी दिखाऊंगा। और जो शोल्डर है, इनको सबसे पहले वार्म अप रखना होता है, क्योंकि अपर बॉडी की तेरी 90% मूवमेंट, 90 के 100% ही ले ले, सब में शोल्डर होगा। और अगर शोल्डर तेरा इंजर्ड हो गया कभी भी, तो इंजर्ड हमने कुछ भी नहीं करना, शोल्डर का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि हर मूवमेंट में आता है और सबसे वो मसल है जो ज़्यादा से ज़्यादा इंजर्ड होता है। ठीक है? ओके। चल, जो मैं मूवमेंट दिखा रहा हूँ वो आप सब देखो, पर कैसे वार्म अप करना है उसके बाद आपको वर्कआउट दिखाऊंगा। तो सबसे पहले तूने जंपिंग जैक्स करने हैं, ये 10 बार करना है। देखो जंपिंग जैक पता है ना, वो 10 बार करना है और ऐसे 3 राउंड करने हैं, एक करके दिखा दे जंपिंग जैक्स। हाँ, कैमरे पे पूरा ही हो। चल, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, बस ऐसे 3 करने हैं। अब उसके बाद पीछे हो जा, जो तेरे को बताया था ना ये, ठीक है, ओबला करके दिखा दे, इसके भी 3 राउंड करने हैं। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अब तूने शोल्डर को वार्म अप करने के लिए ऐसे 10 बार इस साइड, फिर उसके बाद 10 बार इस साइड घुमाना है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अब एक बार ये पकड़, तूने यू रहना है, अपनी नीज को हल्का सा बेंड करके यहाँ पकड़े, इसको इधर की तरफ लेके जाना, ये स्टेप रखियो, देख कड़ाके निकल जाएंगे सारे, करके देख, नीज को हल्का सा बेंड करना है, हाथ आगे कर, अब पूरा उधर को रशियन ट्विस्ट की तरह, हाँ हाथ यहीं पर रह गए, नहीं हाथ को साथ लेके जा, तेज की झटका दे, फील हुआ कुछ है? हाँ, कड़ाके की आवाज आ रही है, वाह वाह वाह।
अब तेरी बॉडी स्टिफनेस हट चुकी है, बढ़िया हल्की सी वार्म अप हो गई है, गर्म फील हो रहा होगा, हल्का सा पसीना आया, ऐसे 3 राउंड करोगे तो बिल्कुल आप प्रिपेयर हो जाओगे वर्कआउट करने के लिए। अब चलते हैं हम अपनी पहली एक्सरसाइज की तरफ। आज है हमारा चेस्ट डे। कोई भी पुशिंग मूवमेंट करेगा सबसे पहले सबसे बढ़िया वार्म अप क्या है, पुश, अपने पुश मसल्स को ट्रेन करने के लिए। पुश मसल होती है ट्राइसेप, चेस्ट और शोल्डर, पुशअप्स। ठीक है, 2 सेट पुशअप्स के बाद में फेलियर में बच्चे चल। पुशअप्स नहीं लगते ना अगर, तो नीज पे मार लो, नीज पे मार के दिखा दो। हाँ अब मार लो, बहुत बढ़िया। तो भाई सुन, चेस्ट जब हम करते हैं 3 एंगल पे ध्यान देते हैं, इंक्लाइन, फ्लैट और डिक्लाइन। जिस पे तू बैठा हुआ ये इंक्लाइन है, मेरी पर्सनल फेवरेट, मेरी प्रेफरेंस रहती है, मैं दिख रहा हूँ ना ऊपर तक आ रहा हूँ ना, मेरी जो प्रेफरेंस रहती है वो रहती है कि इंक्लाइन करूँ सबसे पहले, क्योंकि इंक्लाइन ही एक तेरे को बढ़िया लुक देगी। और जो जो भी एक्सरसाइज, जो भी मसल हम ट्रेन करते हैं, 2 टाइप की एक्सरसाइज होती है, कंपाउंड लिफ्ट, एक होती है आइसोलेशन। कंपाउंड में तेरे ज़्यादा मसल यूज़ होंगे, चेस्ट होगा, शोल्डर होगा और ट्राइसेप होगा, जो हम प्रेस करेंगे। जब हम वो करेंगे क्या कहते हैं फ्लाई, 2 टाइप की होती है चेस्ट में, एक प्रेस एक फ्लाई। जब हम फ्लाई करेंगे वो आइसोलेट करेगी तेरे को, उसमें खाली एक ही मसल यूज़ हो रहा होगा तेरा चेस्ट का, और जो एक ही जॉइंट यूज़ हो रहा होगा शोल्डर का। ठीक है, अब इसमें कैसे करना है तेरे को, सबसे पहले वेट भूल जा, कितना वेट है क्या है तेरे को, बस मसल पे फील करना है, फुल रेंज ऑफ मोशन रखना है स्टार्टिंग में, क्योंकि अभी से जैसी हैबिट्स बिल्ड करेगा आगे जाके वही काम आएंगी। तेरे को मैं लिफ्ट करवाता हूँ, रुक, पहले ग्रिप देख, अपने शोल्डर यू खड़े कर, हल्का सा वाइड कर ले, ये लगा होता है हर जगह। ठीक है, इधर से यहाँ से पकड़ ले, दोनों पकड़ लिया, 1 2 3 भी मैं उठवाता हूँ तेरे को, 1 2 3। अब उठा के बिल्कुल सीधा नीचे लेके आना है और सीधा ऊपर लेके आ, बहुत बढ़िया, सीधा नीचे लेके जा, सीधा ऊपर लेके जा। अब तेरा पहला रैप और लास्ट रैप दोनों सेम दिखने चाहिए मेरे को, चल 3 4 5 6। रख दे, कैसा लगा, कैसा लगा? फुल फील हो रहा है, मजा आ रहा है, पूरा मसल पे आ रहा है ना, पूरा मसल फील। अब तेरे को चाहे इस पे 2.5 किलो मार चाहे 5 किलो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, धीरे धीरे टाइम के साथ मसल तेरा वेट उठता रहेगा। अभी तेरे को बिल्कुल ध्यान में नहीं आना भाई वो बंदा तो इतना मार रहा है, मैं इतना मार रहा हूँ। सबने 0 से स्टार्ट किया था, मेरे से ये भी नहीं लगती थी खाली रोड, तू ये मार रहा है ये भी नहीं लगती थी, मैं इसमें भी टेढ़ा मेढ़ा हो जाता था। ठीक है, ओके। तो पहली एक्सरसाइज हमने इंक्लाइन करी है, अब इसके बाद पहले जो कंपाउंड लिफ्ट हम किस लिए करते हैं, क्योंकि अभी तेरे में जितनी जाना हैवी जा पाएंगे, 2-3 मसल जो यूज़ हो रहे हैं उन सबका अच्छा यूज़ कर पाएंगे। ठीक है, चलो अब दूसरी एक्सरसाइज दिखाता हूँ। देख, अब दूसरी एक्सरसाइज भी हम इंक्लाइन ही ले रहे हैं, ऐसा नहीं है कि इंक्लाइन कर रहे तो तेरी फ्लैट यूज़ नहीं हो रही, यूज़ सारी होती है, बट हमारा मेजर फोकस स्टार्टिंग में यही रहेगा, क्योंकि जितने भी तू देख ले स्टार्टिंग में सबकी इंक्लाइन वीक रह जाती है। तो शुरू की 2 एक्सरसाइज जितनी फ्रेश एनर्जी है इंक्लाइन में डालेंगे। पहले हमने बारबेल कर ली, अब हम डंबल करेंगे। ये दोनों इंक्लाइन की है, राइट? हाँ, दोनों इंक्लाइन की है। पैर पे रख डंबल, इधर इधर, अब पैर से ऐसे पुश करके ऊपर ले जाइयो, चल, या तू जैसे भी ले जा, ले आया। अब सबसे बड़ी गलती ये देख, टकरा रहा है, डंबल को भी इधर कर, इधर से ही नीचे जाना चाहिए, सीधा सीधा नीचे लेके जा, सीधा ऊपर ले गया, फिर सीधा नीचे लेके जा, फिर सीधा नीचे ऊपर ले गया, ऊपर आके टकराना है नहीं, बिल्कुल स्ट्रेट मूवमेंट रखनी है उसकी। ठीक है, बहुत बढ़िया कर रहा है, जैसे ही ऊपर लगेगा ट्राई कर, ये दोनों तेरे जो चेस्ट के मसल है ये दोनों पास आते रहे, हाँ, और हाथ स्ट्रेट रहे। डंबल में एक हमें बढ़िया वो मिलता है कि हम डंबल को ज़्यादा नीचे तक ला सकते हैं, फ़ायदा। चल चल चल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, कैसा लगा? बहुत बढ़िया, मज़ा आ गया। अब फील हो रहा पूरा, मैंने 2 दिन में क्या था, इसमें भी तेरे को ये नहीं कि भाई बंदे 40-40 का भी उठा रहे होंगे और मेरे जैसे उस दिमाग के 50 का भी उठाते हुए दिखेंगे तेरे को, बट तूने अभी इधर ही रहना है, हमको 6-7 साल हो गया करते हुए। ठीक है, ओके, 2 एक्सरसाइज हो गई है, हम 5 करेंगे बस, 2 कंपाउंड कर ली, अब 2 तेरे को मशीन करवाऊंगा और 1 बॉडी वेट। तो अब हमने 2 प्रेसिंग मूवमेंट कर ली है। ठीक है, अब हम आएंगे मशीन की तरफ। मशीन में सबसे बड़ा फायदा मिलता है तुमको बिगनर्स को, क्योंकि एक मूवमेंट इसमें सेट होती है, तुमने बस वेट मूव करना है। ठीक है, अब इसमें हमने जो पुरानी वो करी थी उसमें हमने हैवी का एम करना है, ताकि हैवी उठा पाए, अपनी फ्रेश एनर्जी यूज़ कर पाए। रैप रेंज 10 तक रखनी थी वहाँ पे, इसमें हम 15 रखेंगे। ठीक है, 15 रैप्स मार के दिखा कैसे करेगा। चल, वेट नहीं है बिल्कुल, खाली है, वाह बहुत बढ़िया, पीछे तक जितना जा सकता है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया,
ये वाली मशीन 90% हर जिम में मिल जाएगी आपको। अगर ना मिले तो आप डंबल फ्लाई यूज़ कर सकते हो इसकी जगह। चल चल, आगे तक और ला, और आगे। हाँ, ये टकराए, कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं नहीं, यहाँ ये टकरा सकती है, इसको इजाज़त है। बहुत बढ़िया। स्ट्रेच और कॉन्ट्रैक्शन, इन दोनों चीज़ों पे ध्यान देना होता आपने। ये जब पीछे लेके जा रहा है, ये स्ट्रेच है, अब आगे लेके आएगा, कॉन्ट्रैक्ट कर मसल, स्क्वीज, जैसे पोजिंग करके दिखाते हैं, जब दिखाता है हवाबाजी में वो। बस इन दोनों पे ध्यान देना होता है, आपका बढ़िया ट्रेन हो जाओगे। कैसा हुआ? बढ़िया। चल भाई, 3 एक्सरसाइज हो गई है, अभी कैसा फील हो रहा है? बहुत बढ़िया, मज़ा आ रहा है। हर एक्सरसाइज को तूने मसल पे फील किया था ना? हाँ। इसमें भी वही रहेगा, ठीक है? ठीक है। अब इसको भी तू बहुत बंदों को देखेगा, हैवी मारते हुए जिम में फुल। हाँ। किसी को नहीं ध्यान देना, खुद से बस अपना करना है। चलो उठाओ, इसमें जब तू लेटेगा थोड़ा ना, अपनी बैक टाइट कर ले, बैक टाइट कर ले, और तेरी ये नहीं उठनी चाहिए जब भी करेगा, ठीक है? नहीं उठनी चाहिए। हाँ, बैक टाइट कर, और तेरे हिप्स बेंच से रहने चाहिए, पैर स्टेबल रहने चाहिए दोनों जगह, ये नहीं हिल रहे हैं। अब ग्रिप वही पकड़नी है तूने, शोल्डर से हल्की सी बार हल्की सी बार कर ले, ठीक है? 1 2 3। अब चेस्ट पे टच कर, स्ट्रेट ऊपर लिया, बहुत बढ़िया। टच कर, ऊपर लिया, बहुत बढ़िया। स्टार्टिंग में अगर आपसे ये भी ना उठ रही हो खाली बार, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे से भी नहीं उठती थी, धीरे धीरे टाइम लगेगा। इसकी जगह आप बारबेल की जगह डंबल भी कर सकते हो, वो आपके ऊपर है, जिसमें आप ज़्यादा बढ़िया फील करते हो। चल, मैं ट्राई कर रहा हूँ सारी वो चीज़ें दिखाऊँ जो हर जिम में अवेलेबल रहती है। चल रख दे बस। अब तेरा पहला रैप और लास्ट रैप हर मूवमेंट में सेम दिखना चाहिए, हर एक्सरसाइज में। और वेट का तेरे को बिल्कुल ध्यान नहीं देना भाई, कितना उठा रहा हूँ क्या कर रहा हूँ। हमारी 4 एक्सरसाइज हो गई है, अब लास्ट एक 5वीं करेंगे। 3 प्रेसिंग करी हमने टोटल, डंबल इंक्लाइन बेंच, इंक्लाइन डंबल, उसके बाद एक फ्लाई ली थी, अब एक हमने प्रेस ली है, एक फ्लाई और लेंगे। अब लास्ट एक्सरसाइज है, इसमें हाई रेप्स करेंगे, सब में 15 तक जा रहे थे ना, इसमें 15 से ऊपर जाना है, 15 से नीचे नहीं जाना। उसमें 15 से नीचे चल रहे थे, इसमें 15 से नीचे नहीं जाना तूने। ये ढाई ढाई का डंबल है, तेरे को फ्लाई की मूवमेंट मैंने बताई हुई है, वैसे एक और बार बताता हूँ, पकड़ डंबल, देख प्रेस में हम ऊपर की तरफ लेके जाते हैं ना, इसमें ऊपर लेके जा, ऊपर लेके जा, अब इसमें तूने इधर की तरफ लेके जाना है, बस यहाँ तक वापस, और टच होना है? नहीं नहीं, बस यहाँ, ओके, वापस, दोबारा, जैसे बटरफ्लाई मार रहा था ना, वही तूने डंबल से करनी है बस। चल, इसमें बिल्कुल भी हैवी वेट नहीं जाना, हाई रेप्स जा रहे हैं क्योंकि हम, और ये फिनिशर है हमारा, ये जो हमने डिक्लाइन ट्रेन नहीं करी उसमें तेरी हेल्प करेगा, फ्लैट और डिक्लाइन को ज़्यादा टारगेट करता है ये जो चेस्ट यू चोड़ी होएगी ना, उसमें हेल्प करेगी फ्लाई मूवमेंट्स। चल चल, तेज नहीं, बिल्कुल कंट्रोल, हर रेप में कंट्रोल रखना अपना, बहुत बढ़िया। चल, ये जब थोड़ा मतलब आदत हो जाएगी उसके बाद ये बेंड करके करने लग जाएगा, बट अभी सिखाऊंगा, इसका दिमाग ज़्यादा कॉम्प्लिकेट होगा, धीरे धीरे इस बंदा चीज़ सीखता है, बिल्कुल परफेक्ट नहीं कर पाएगा कोई भी स्टार्टिंग में। चल चल चल, कितने हो गए? 17। चल रख दे, चेस्ट पे फील आ रहा था ना। हाँ, और इस पे तू उतना स्ट्रॉन्ग फील नहीं कर पाएगा, मतलब जहाँ तू प्रेस में 10 का मार लेगा, इधर तेरे से 5 लगेगा, क्योंकि इधर को मैंने बताया था मल्टी जॉइंट मूवमेंट में हम भी जा पाते हैं, या आइसोलेट है, इसमें खाली एक ही तरह ये वाला जॉइंट यूज़ हो रहा था, ट्राइसेप नहीं हो रहा था, जब तू प्रेस कर रहा था तब ये दोनों यूज़ हो रहे थे, एल्बो का जॉइंट और शोल्डर का, ठीक है? तो कैसा लगा वर्कआउट? बढ़िया लगा, मज़ा आ रहा है, पता चल रहा है कि पूरा फील हो रहा है अभी मैं, ठीक है? थर्ड था, सेकंड डे में मतलब कुछ फील नहीं हुआ पहले 2-3 दिन में, क्योंकि वर्कआउट चल रहा था नॉर्मली, जो भी आ रहा था वो भी सब ऐसे ही बताए जा रहे थे, बट आज पूरा फील हुआ है बॉडी में। चल ठीक है, ये तुम्हारा डे 1 है जिम में, चेस्ट डे। अगर तुम्हें डे 2 की वीडियो चाहिए, जो हमारा बैक वर्कआउट होगा, इस वीडियो में नीचे कमेंट करके बताओ, फिर मैं उसकी वीडियो क्या कहते हैं आपके लिए अपलोड कर दूंगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।